सो हे गाइस, आप लोग को मालूम होगा कि विजय मैर जी का मैंने बर्थडे वाला कॉन्सेप्ट डाला था। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट में आप लोग से पूछा कि आप लोग को पबजी के ऊपर एडिटिंग चाहिए क्या, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस सर, आप लोग कितने सारे कमेंट आ गए ना कि भाई जल्दी लेके आओ भाई, प्लीज़ वेट करें, लेके आओ ना भाई, पबजी की एडिटिंग कब लेके आओ। मतलब इतने सारे कमेंट आ गए ना, मतलब यार कमेंट बॉक्स में इतना ज़्यादा आप लोग ने प्यार दिया ना, कमेंट देख के इतना ज़्यादा खुश हो गया। मैंने सोचा कि यार जल्दी आप लोग के लिए वीडियो ले आते हैं। तो गाइस, मैं आपके लिए फाइनली पबजी वाला वीडियो लेके आ गया हूँ। तो गाइस सर, अगर आप लोग को सेम ऐसा फ़ोटो एडिट करना है तो आप लोग को गाइस करना क्या होगा, आप लोग को इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, तभी आप लोग सेम ऐसा फ़ोटो एडिट कर पाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग को मैं सेम ऐसा फ़ोटो एडिट करना सिखा दूँगा। बट गाइस, आप लोग को करना क्या है, आप लोग इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना, आप लोग को पूरा वीडियो देख लेना है, आप लोग सेम ऐसा फोटो एडिट कर पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हम। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी फ़ोटो एडिटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और गाइस, अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे को जल्दी से फॉलो कर लो। तो चलिए फटाक से वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड को भी ओपन कर लिया हूँ। सो गाइस, जो भी पीएनजी एंड बैकग्राउंड यूज़ करूँगा, सारी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप लोग वहाँ से पीएनजी एंड बैकग्राउंड डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस, आप लोग को करना है क्या, आप लोग को टूल्स पर चला जाना है। एंड गाइस, टूल्स पर जाने के बाद आप लोग को बैकग्राउंड को कर लेना है रिसाइज। तो मैंने पहले से रिसाइज कर लिया था, तो आप लोग रिसाइज कर लीजिएगा। एंड गाइस, फिर आप लोग को करना है क्या, आप लोग को ऐड फोटो पर चला जाना है। एंड गाइस, ऐड फोटो पर जाने के बाद आप लोग को अपनी फोटो को ले आना है। आप लोग देख सकते हैं, मैं अपनी फोटो को ले आऊँ। तो गाइस सर, आप लोग को पोज को जिस टाइप से दे देना है, या फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग पोज दे सकते हैं। तो गाइस, आप लोग को फिर क्या करना है, इरेज टूल्स पे चला जाना है। एंड गाइस, आप लोग इसकी हार्डनेस को फुल एंड अपने साइज को अपने अकॉर्डिंग को रख लेना है, मतलब साइज को आप लोग को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड गाइस, फिर आप लोग ऐसे जूम करना है, तो मैं हार्डनेस को और फुल कर लेता हूँ। एंड फिर आप लोग को इस टाइप से बैकग्राउंड को कर लेना है इरेज, ठीक है, जो मॉडल का बैकग्राउंड वो आप लोग को इरेज कर लेना है। तो गाइस सर, मैं फटाक से कर लेता हूँ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। एंड गाइस, रिमूव करने के बाद आप लोग को करना क्या है, अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से बड़ा करके एडजस्ट कर देना है। एंड गाइस, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। एंड गाइस, आप लोग क्या ना अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आप लोग को अपने मॉडल को कितना बड़ा एंड छोटा करना है। तो मैं कुछ इस टाइप से मॉडल को एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस, एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कर लेता हूँ डन। एंड गाइस, डन करने के बाद आप लोग को करना है कि आप लोग को यहाँ से ऐड फोटो पर चला जाना है। एंड गाइस, ऐड फोटो पर जाने के बाद आप लोग को ब्लैक का पीएनजी दूंगा मैं, ठीक है। तो इस ब्लैक के पीएनजी को आप लोग को ले आना है। एंड गाइस, आप लोग को ब्लेंड पे चला जाना है। एंड गाइस, इसे कर देना स्क्रीन मल्टीप्लाई, सॉरी, तो आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। एंड गाइस, मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग को इसे नीचे के साइड पे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देना है। तो मैं कुछ इस टाइप से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस, एडजस्ट करने के बाद आप लोग को बताता हूँ। सो गाइस, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, मैंने एडजस्ट कर लिया हूँ। एंड गाइस, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो गाइस, आप लोग को फिर करना क्या है, आप लोग के यहाँ से चला जाना है ड्रॉ टूल्स पे। एंड गाइस, ड्रॉ टूल्स पे आने के बाद आप लोग को ऐसे फोटो को बड़ा जूम कर लेना है। एंड गाइस, जूम करने के बाद आप लोग को कलर वाले आइकन पर जाना है। एंड गाइस, आप लोग को ये वाला आइकन ले लेना है, फिर आप लोग को ये वाला कलर फिल कर लेना, जो पीछे का फायर का कलर है ना, आप लोग को इस कलर को ले लेना है। एंड गाइस, फिर आप लोग को करना क्या है, यहाँ से पेंसिल वाला आइकन पे जाना है। एंड गाइस, आप लोग को साइज को कुछ इतना रख के एंड ओपेसिटी को कुछ इतना रखना है, फिर आप लोग को ऐसे सेट कर देना है। एंड गाइस, फिर आप लोग को जो मॉडल है ना, फिर मॉडल के ऐसे फोरग्राउंड पे आप लोग को कुछ इस टाइप से लाइनअप सी बना देनी है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, मैं फटाक से कर लेता हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मैंने मॉडल के फोरग्राउंड पे लाइनअप सी बना दिया। एंड गाइस, फिर आप लोग को लेयर वाला आइकन पे जाना है। एंड गाइस, आप लोग को इसे कर देना स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब ओपेसिटी को मैं फिर भी कम नहीं करता हूँ। एंड गाइस, फिर मैं क्या करता हूँ, इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ, मतलब बढ़ाता हूँ। फिर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फेस पर थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये लाइट है ना फायर की, तो फेस पर थोड़ा सा पड़ेगी तो सो रियल सा लुक आएगा, ठीक है। तो मैंने ये काम कर लिया हूँ। एंड गाइस, फिर आप लोग को करना क्या है, इसे यहाँ से कर देना है डन, ओके। एंड गाइस, डन करने के बाद आप लोग को करना क्या है, आप लोग को मैं बताता हूँ। तो आप लोग को यहाँ से ऐड फोटो पे चला जाना है, एक पीएनजी मिलेगी आप लोग को।
सो गाइस आप लोग को ये डस्ट पार्टिकल की पीएनजी ले आना है एंड गाइस फिर आप लोग इसे कर देना स्क्रीन। एंड गाइस स्क्रीन करने के बाद आप लोग को कुछ इस टाइप से बड़ा करके यहाँ पे इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। तो पहले मैं लगा लेता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने एडजस्ट कर लिया। एंड गाइस फिर मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा हार्डनेस को कम एंड ओपेसिटी को कम करके थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो आप लोग को इसकी डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पर भी एक थो एडजस्ट कर देना, ओके। एंड गाइस फिर आप लोग को करना है कि आप लोग को यहाँ से कर देना राइट पे डन। एंड गाइस डन करने के बाद आप लोग को करना है क्या है, आप लोग को यहाँ से ऐड फोटो पर चला जाना है। एंड गाइस आप लोग को टेक्स्ट पीएनजी को ले आना है, ठीक है। तो मैं दोनों टैक्स पीएनजी को ले आता हूं। एंड गाइस आप लोग को और भी टैक्स पीएनजी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को जो भी टैक्स पीएनजी अच्छी लगे आप लोग को लगा लीजिएगा। तो आप लोग को क्या करना है, ब्लेंड पे जाके स्क्रीन कर देना है। एंड गाइस स्क्रीन करने के बाद आप लोग को इसे नीचे के साइड पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देना है, ओके। एंड गाइस एडजस्ट करने के बाद आप लोग को बताता हूँ मैं। सो गाइस मैंने नीचे वाली पीएनजी एडजस्ट कर लिया। एंड गाइस जो ऊपर वाली पीएनजी है उसे भी मैं जाके यहाँ से ब्लेंड पे स्क्रीन कर लेता हूँ। एंड गाइस स्क्रीन करने के बाद आप लोग अपने अकॉर्डिंग बड़ा एडजस्ट कर सकते, मतलब आप लोग को बड़ा करना है पीएनजी को या छोटा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ इतना कर लिया हूँ। एंड गाइस यहाँ से कर लेता हूँ डन। एंड गाइस डन करने के बाद आप लोग को सिंपली करना है क्या, ड्रॉ टूल्स पर चला जाना है। एंड गाइस ड्रॉ टूल्स पर आने के बाद आप लोग को थ्री डॉट पर टैप करके फोटो को कर लेना है सेव। एंड गाइस सेव करने के बाद हम लोग चले जाते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन पे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन पे आ गया हूँ। तो गाइस सर पेंसिल वाले आइकन पे जाके आपके टून इमेज ले लेना है। एंड गाइस टून इमेज की जो भी एडजस्टमेंट है वो आप लोग देखते जाइए मैं क्या क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, आप लोग को भी सेम वैसे एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। तो मैं कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आप लोग को भी सेम वैसा एडजस्टमेंट कर लेना है। एंड गाइस फिर आप लोग को यहाँ से कर लेना है डन। एंड डन करने के बाद आप लोग को इस वाले आइकन पे जाना है एंड आप लोग को फिर कुछ इस टाइप से कम ज़्यादा कर लेना, आप लोग देखते जाइए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइस फिर आप लोग को यहाँ से जाके डिटेल्स को ले लेना है। एंड गाइस मैंने डिटेल्स को ले लिया हूँ। एंड गाइस फिर आप लोग को करना है क्या, इस वाले आइकन पे जाके फोटो को कर ले। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं फाइनली हमारा फोटो पूरा एडिट हो गया एंड गाइस गैलरी पे भी सेव हो चुका है। तो गाइस सर आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।